जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। बैठ तनु एंकर नितिन दहिया, क्या कैटरीना बनी सीक्रेट एजेंट, क्या है अलीशा और इशिका की दोस्ती का राज, क्या होगा अल्बर्ट के एक और राज का खुलासा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कि प्रेम कपूर यानी सलमान खान एक कौन आर्टिस्ट है और उसका साथ देने वाले हैं आरडी यानी अनिल कपूर और श्री यानी साकिब सलीम। प्रेम और रणवीर यानी सैफ अली खान की अल्बर्ट रॉयल यानी मिथुन चक्रवर्ती को लूटने की एक डील होती है और उसके चक्कर में प्रेम जो इस डील से जल्दी निपटना चाहता था वो अचानक इशिका यानी कैटरीना कैफ से लव एट फर्स्ट साइट कर बैठता है। और जब उसने इशिका को रंगे हाथ सिक्योरिटी रूम में जाते देखा तो प्रेम उससे पूछताछ करना चाहता है, तभी वहां कुछ और लोग आते हैं। प्रेम धीरे से इशिका को अपनी तरफ खींचता है और एक स्माइल के साथ कहता है जस्ट स्माइल। और जैसे ही वहां पर दो लोग आते हैं प्रेम और इशिका तब तक रूम के बाहर एक कपल बनकर खड़े हो जाते हैं और नॉर्मली उनके साइड से गुजरते हैं। और इससे रणवीर उसे बताता है कि वो और अलीशा यानी करीना कपूर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उसके यहाँ आने का मेन रीजन अली है। उधर इशिका फ्रस्ट्रेटेड है कि वो प्रेम की वजह से अपना टास्क पूरा नहीं कर पाई। उनके कमरे की खिड़की पर कुछ आहट महसूस करती है और अचानक प्रेम और रणवीर वहां से कूद कर आते हैं और तब प्रेम उनके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर उनका सब का मोटिव एक ही है तो एक दूसरे के प्लान्स को वेस्ट करने की बजाय मिलकर एक ही प्लान बनाते हैं। तो वो चारों मिलकर काम करने के लिए एग्री करते हैं। जब सिक्योरिटी रूम में फिर से जाने की बात हुई तो इशिका कहती है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी उनके मेन कंप्यूटर में पेन ड्राइव सेट कर आ है। तो क्या होने वाली है एक और दुश्मन की एंट्री और क्या सच में है कोई खजाना, जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।